घर को बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके कोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं कोयल पेंट, सुल्तानगंज की पुलिया, बाईपास रोड, आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल कोयल, मोबाइल नंबर 9897135351। भर गया पूरा, हाल तो लगभग 90-95% सक्रिय सदस्य तो आ गए। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इन समाजवादी लोगों को जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतनी बड़ी तादाद में सक्रिय सदस्य बनने के बाद आज सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हैं। मेरी निगाह में इनसे बड़ा कोई समाजवादी नहीं, इनको धन्यवाद दूंगा। प्रभारी जी, जिलाध्यक्ष जी, सब लोग आए हुए हैं। अभी पार्टी की जो सदस्यता है, अपना एजेंडा आगे की हमारी क्या रणनीति रहेगी, पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा, जो भी हाई कमान से आदेश सम्मान आएगा, जिस तरीके से भी इस पार्टी का विरोध, जिस तरीके से अराजकता का माहौल इस पूरे प्रदेश में और हमारे शहर में तमाम क्राइम हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं हमारे काम के लिए, वो हम कर रहे हैं और जो निर्देश होगा वो पार्टी पूरे के कार्यकर्ता पूरी जी जान से उस काम को करने का काम करेंगे। क्या कुछ दिया जाएगा लोगों को आज? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे सक्रिय सदस्यों की आज अहम बैठक हो रही है, इसमें हमारे प्रभारी रामजोर यादव जी आए हुए हैं। आज देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसी को लेके समाजवादी पार्टी एक रणनीति बना रही है, क्योंकि यहाँ जो भी इन्होंने जो वायदे किए थे ये अपनी वायदों में उतर नहीं रहे, इसी को लेके हम लोग आगे भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। देखिए ये सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन है और मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार और क्राइम बढ़ा है उसी का उदाहरण है। आज इस वैकंट हॉल में, अवध वैकंट हॉल में जो है जगह नहीं मिल रही कार्यकर्ता को खड़े होने के लिए, जन सैलाब उमड़ पड़ा है, कार्यकर्ता इतनी संख्या बने हैं आज उसी का उदाहरण है। हमारे जो कार्यकर्ताओं का आज हमारे पर्यवेक्षक आए हैं वो निर्देश देंगे, उसी हिसाब से काम करें। जिले में कितने सक्रिय सदस्य बने गए? हमारे 1200 जो है जिले में सक्रिय सदस्य बने हैं और वो 6 विधानसभा के। संविधान में समाजवादी पार्टी का संविधान है ना, संविधान के तहत ही सम्मेलन हो रहा है। संविधान में पहले जिला सम्मेलन होंगे, इसके बाद प्रदेश सम्मेलन होगा, इसके बाद राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। तो प्रदेश जिले से जो प्रस्ताव पास होंगे प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से प्रस्ताव पास होगा राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही इस बात की कि आगे जो मजबूत विपक्ष की और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा सकते।